हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले कि सिपाही भर्ती 2018 का जो परिणाम है उसको चुनौती दी गई है एक बार फिर से हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है भर्ती बोर्ड के खिलाफ और इसमें भर्ती बोर्ड को फिर से एक बार फटकार लगाई गई है हाई कोर्ट के द्वारा। तो सारा मसला क्या है ये सारा कुछ जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं आज 26 अप्रैल अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, ये 26 अप्रैल लखनऊ का, ठीक है, लखनऊ सिटी का। तो यहाँ पे इसमें जो निकला हुआ है तो क्या निकला है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। भर्ती सिपाही भर्ती 2018 के परिणाम को चुनौती, एक प्रश्न का गलत विकल्प सही मानने के खिलाफ याचिका भर्ती बोर्ड से जवाब तलब। तो इसमें पूरा मसला क्या हुआ है वो सारा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। इसमें देखते हैं आखिर हुआ क्या है। नागरिक पुलिस और पीएससी में 41,520 पदों के आरक्षियों की भर्तियों के लिए जारी चयन परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में पुलिस भर्ती बोर्ड ने गलत विकल्प को सही जवाब माना है। ऐसा करने से याची को 2.5 अंक का नुकसान हुआ है जिसकी वजह से वह चयन सूची में शामिल नहीं हो सका। पुष्पेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने पुलिस भर्ती बोर्ड को इस पर 3 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि याची 18 जून 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुआ। परीक्षा का एक प्रश्न जिसमें पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, इस सवाल का विकल्प ऑप्शन बी जवाब था बिंदुसार और विकल्प सी में जवाब था बृहदत्त। याची ने विकल्प सी अपना जवाब चुना मगर भर्ती बोर्ड द्वारा आंसर की विकल्प बी को सही माना गया। याची के अनुसार आपत्ति की मगर भर्ती बोर्ड ने आपत्ति स्वीकार नहीं की। संशोधित आंसर की में भी विकल्प बी को ही सही जवाब माना गया। याची को कहना है कि सभी मान्य पुस्तकों के मुताबिक विकल्प सी ही सही है। तो अब इसमें भर्ती बोर्ड को 3 हफ्ते का टाइम दिया गया तो 3 वीक में देखो अब भर्ती बोर्ड क्या जवाब देता है। अगर ये इसको अपना आंसर ये अगर चेंज करना होगा तो इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो पॉइंट से बाहर होंगे और इसी क्वेश्चन की वजह से, तो उनका भी यहाँ पे एक चांस बन सकता है। बट अभी ये तो अब मुश्किल लगता है कि यहाँ पे कुछ आगे कुछ प्रोसेस होने वाला है क्योंकि भर्ती जो है ये बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। बट अगर किसी ने रिट दायर की है तो उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि भर्ती बोर्ड और हाई कोर्ट के बीच में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो देखिए अभी रोज के रोज रिट दायर होती जा रही हैं और अभी कोई कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक बीएससी का मेडिकल होगा, क्या होगा, कुछ भी यहाँ पे डेट कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो यही लोग जाने क्या कर रहे हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं। अभी अनाउंसमेंट बाकी भर्तियों का और कर दिए हैं, बल अभी 49,000 का रिजल्ट भी इनको निकालना है और 50,000 का अनाउंसमेंट किए बैठे हैं। अभी 41,000 ये पूरी नहीं करवा रहे हैं तो ये कैसे करेंगे भगवान जाने, या तो फिर इनकी बुद्धि जाने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो के साथ बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट्स सब तक आप सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।